जय गुरुदेव आप सभी को। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हमारी बहुत प्यारी बहन अनीता गुप्ता जी अपने अनुभव बता रही हैं कि किस तरह प्रेम के झरने उन पर लगातार बरस रहे हैं और इसके साथ बहुत सारी अनुभूतियां उनसे बात कर रही हैं हमारी गुरु को समर्पित बहुत प्यारी बहन शकुंतला सोनी जी। आइए हम भी इस अनुभव के साक्षी बने। जय गुरुदेव। हाँ जी अनीता जी, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। हाँ, आपके पहले जो हमने आपका इंटरव्यू लिया उसमें आपने बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ बताई थी और उस बात को तो काफी समय हो गया, तो हम चाह रहे हैं कि अब भी कुछ समय से आपके साथ क्या क्या अच्छा हो रहा है, क्या कृपा चल रही है गुरुदेव की, तो आज आप शेयर करें हमसे। बिल्कुल बताइए जो भी। बोलूंगी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके हंसने से ही लग रहा है कि कुछ स्पेशल तो हुआ ही है। जरूर बताइए। एक तो वर्तमान समय में जो है नाद बहुत अच्छे से सुनाई देता है। अच्छा। विशेषकर रात के टाइम में जो सोने को जाती हूँ बिस्तर पे तो काफी तेज आवाज हो जाती है। अच्छा। और कभी मंत्र जप की आवाज सुनाई देती है अंदर से, जपा जो चलता है। हाँ हाँ, दोनों ही चल रहे हैं, मतलब आपके जप और नाद दोनों ही चल रहे हैं। हाँ हाँ, तो कभी तो जपा चलता है कभी वो नाद चलती है। अच्छा अच्छा, कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ। कभी जब दोनों में से कोई कुछ भी नहीं चलता है, जब शोर शराबा कुछ होता है तो उसमें मैं मंत्र जप। ठीक है, उसमें करती हूँ। एक तो आपकी हंसी स्पेशल है, तो कुछ हंसी का राज है आपका, ये बताइए। अरे गुरुदेव का ही है सब कुछ है जो। हाँ, तो कुछ ना कुछ हंसी वाली बात भी हुई है आपके साथ, तो बताइए। अरे ऐसा हुआ था, मैंने एक बार एक एपिसोड देख रही थी, वो धारा बहन का था शायद। हाँ हाँ, धर्मेंद्र जी ले रहे थे। हाँ। उनका इंटरव्यू, तो उसमें वो बोल रही थी कि मेरे को ऐसे हंसी के जो है झरने बहे। हाँ। प्रेम के झरने बहाए गुरुदेव ने। हाँ। तो मैंने तो ये कहा, गुरुदेव ऐसे झरने बहाओगे तो मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा। तो मैंने ये सुना था। अच्छा, तो मैंने सोचा ऐसे गुरुदेव ऐसे कैसे झरने होते हैं प्रेम के, हमें भी तो कुछ एहसास होना चाहिए। अच्छा अच्छा, कैसे प्रेम के झरने होते हैं, आप कैसे प्रेम के झरने बहाते हो, मैं ऐसा सोच रही थी। अच्छा अच्छा, तो फिर मुझे भी एक दिन ध्यान में ऐसे इतनी तेज हंसी के मतलब झरने बहे कि रुके नहीं हंसी। अच्छा, बहुत तेज हंसी है। हाँ, तो फिर मेरे समझ में आया कि ये गुरुदेव ने उसी का जवाब दिया है कि प्रेम के झरने ये होते हैं। अच्छा अच्छा, इसीलिए आपकी हंसी में खनक आ गई है। सही बात कहा, सही बात। हाँ। कहा ये तो। तो एक बार फिर मैं छत पर घूम रही थी, छत पे भी बहुत तेज हंसी आ रही थी। 3-4 दिन मैं छत पर घूमने जाती। हाँ। वहाँ पे एकदम हंसी के फव्वारे ऐसे झरने बहते थे। क्या बात है, तेज तेज। एक दिन तो मैं देवरानी थी वो डर गई। हाँ। नीचे तक आवाज पहुंच गई। हाँ। उन्होंने सोचो कुछ गिर गई दिखती है, पैरम प्रॉब्लम नहीं तो। हाँ, हाँ। रोने की आवाज आई है क्या आई है, तो वो ऊपर चढ़ के आई। हाँ। तो मैंने कहा तो कुछ नहीं, मेरे को हंसी आ रही थी और कुछ नहीं। अच्छा। मतलब झरना बाहर है गुरुदेव प्रेम का। प्रेम का झरने। क्या बात है, जोरदार बात है ये तो। हाँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब देखो हंसना भी दुर्लभ है आज की दुनिया में, इतने लोग दुखी हो रहे हैं कि हंसना भी दुर्लभ हो गया है। हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि इसमें ना इतनी हंसी इतना आनंद तो मेरे को मतलब उसमें नहीं आता है। सही बात है, और किसी से भी मिलके नहीं होती इतनी खुशी। हाँ, जैसे इतना आनंद किसी से मिलके नहीं होता है, जैसे और बच्चे बच्चा कोई भी हो। और कोई और तो कई बार ध्यान में जैसे डांस होता है, हाथों के एक्शन होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और कई बार रात को 2-3 बजे कई बार ऐसे नींद खुल जाती है, तब मैं उठ करके फ्रेश होके और ध्यान में उसी समय बैठ जाती हूँ। दोबारा फिर ध्यान करके। अच्छा। तो ध्यान का भी ऐसा कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, कभी जब भी नींद खुलती है तब 4 बजे 3 बजे वो तो उठाते हैं गुरुदेव। देखो रात की जरूरत होती है ना। मुझे आवाज ही आई, आवाज समझ में ये नहीं आई किसके, पर वो क्लियर ऐसे कानों में क्या आवाज आई, अनीता उठ जा। अरे वाह, तो उठा रहे, और कौन उठा सकता है, कोई किसी की आवाज थी नहीं, और कोई उठा नहीं। बिल्कुल सही है, उठ करके उठ गए उस समय ध्यान में। तो आपके भी जीवन में काफी कुछ परिवर्तन आए हैं गुरुदेव से जुड़ने के बाद तो। हाँ, ऐसे परिवर्तन तो आए हैं काफी। मेरे को मैं क्या बता रही हूँ ना, स्कूल में मेरे सारे काम सोचने से पहले हो जाते। क्या बात है, क्या बात है। मुझे बहुत चारों तरफ से ऐसी हेल्प मिल जाती, मुझे कुछ ऐसी परेशानी नहीं आती। जबकि आप पहले बहुत परेशान रहते थे। बहुत ज्यादा। देख लो अभी ये क्या कम बात है, व्यवस्था हो जाती है ये इनके प्रकार।
करने वाले देखे भाई, अब तो उन्होंने हाथ पकड़ा है तो देख लो हर जगह। कहते हैं ना गुरुदेव, हाँ, लोग जुड़ते तो बीमारी के नाम से, लेकिन हर तरह वो उनका अपने को सपोर्ट मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बता रही मैं एक दिन मार्केट गई तो मैं वैसे 5 बजे बाद ऑटो नहीं आते मार्केट से, तो शाम 6 बजे वहाँ पे हमें क्या कैसे जाऊंगी, वही दूर से मिलेंगे ऑटो तो इतनी दूर पैदल चलना मुश्किल था मेरे को। सही है, गुरुदेव ही जाने और क्या बताऊं। तो व्यवस्था कर देगा तो थोड़ा सा चली मैं मार्केट से, वहीं पे सामने मिलने वाले बाइक लेके खड़े। गुरुदेव देश जी बाइक परेशान हो गए आप। बिल्कुल सही, कई बार होता है मेरे साथ भी ये चीजें होती है। मैंने कहा वाह गुरुदेव आपकी तो माया बहुत। बिल्कुल सही कह रहे हो। और स्कूल में भी एक दिन मेरे कहते बहुत ज्यादा ऐसे दलदल हो रहा था, जंगल सा हो रहा था बहुत ज्यादा। हाँ। मैंने तो मजदूर लगा थी, कोई 3-4 हजार रुपए खर्च होते मेरे इस तरह से। तो सरपंच को फोन किया, उसने कहा हाँ करवा देंगे करवा देंगे। एक गांव का कोई प्रतिष्ठित आदमी है, मैंने कही गुरुदेव आप, मैं उससे भी कही मैंने, मैंने कहा गुरुदेव आप ही कुछ करवाओ, मेरी तो कोई माने नहीं माने क्या पता। सही बात है। तो गुरुदेव ने ऐसा काम करवाया बहुत बढ़िया, जेसीबी भिजवा दी सरपंच की और खड़े रह कर करवा के गया वो। क्या बात है, क्या बात है। वो आदेश गुरुदेव का मिला उनको, आपका आदेश निकला। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कुछ कर सके, लेकिन तो गुरुदेव के लिए सब कुछ जो है गुरुदेव ही करवाते हैं। तो कहाँ कहाँ बैठ जाते हैं। पहले तो आप भी करते थे गुरुदेव का, अब आपके परिवार में और कोई जुड़ा नहीं। हाँ बेटी करती है। अच्छा करने लगी बेटी। बेटी तो हाँ। अरे वाह, उसको भी नाद वाद सुनाई देने लगी है और डांस वांस उससे भी होता है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात है। और बेटा जो डॉक्टर है आपका बेटा। हाँ बेटा नहीं जुड़ा। नहीं जुड़ा अभी, चलो जुड़ेगा कोई बात नहीं। गुरुदेव जोड़ेंगे जरूर, जोड़ेंगे जरूर। बहुत इंतजार है के पापा बेटा को, उस चीज का इंतजार है हस्बैंड को और बेटे को। हो जाएगा चमत्कार देखें पहले। हाँ कुछ ना कुछ देखो, तभी उनका आपको देख के कुछ भावना तो होती होगी, लेकिन व्यक्त नहीं करते हैं। सही बात। हाँ ये भी हो सकता है, ये होता है जनरली ऐसा। तभी तो वो रोक टोक नहीं करते किसी बात के लिए, जानते हैं जो के है सही है। ये मन में समझ भी रहे हैं, आपके जो परिवर्तन भी देख रहे हैं वो तो उनसे असर तो है, लेकिन अभी व्यक्त नहीं करे, आ जाएगा उनका भी समय। और मेरे सास को बताओ ना, मेरे सास करने लगी है ना एक दिन उनको। हाँ उनको प्रकाश दिखा एक दिन उनको। हाँ हाँ बहुत तेज। अच्छा। प्रकाश दिखा तो मेरे से पूछ रहे ना कि तुम लाइट जलाई थी सुबह सुबह, कि मैंने कहा जलाई, मैंने तो नहीं जलाई लाइट। बहुत मन की बहुत तेज प्रकाश दिखा मुझे तो। अच्छा मैंने सोचा लाइट जलाई दी क्या, मैंने कहा तुम्हारी आंखें बंद थी क्या खुली थी क्या। बंद थी, मैंने कहा बंद थी तो बंद में बताओ लाइट कैसे दिखेगी। सही बात है। चलो सासू जी भी जुड़ गए, बेटी जुड़ गई, मदन मोहन जी के दर्शन हुए उनको। अच्छा अच्छा, मन की आपको जवाब मिल गया अभी साधना का। बिल्कुल वो ही है गुरु गोविंद सब वही है। सही बात है। तो उनका जब उनको जवाब मिल गया। और कुछ बताइए। और तो कुछ नहीं, अभी मैं साधना में जो करने लगी उस समय जरूर मेरे को शंकर जी के दर्शन हुए थे 2-3 दिन। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने बताया ना पहले वाली अनुभूति। हाँ हाँ, उसमें मैं समझ नहीं पाई, मैं नहीं जानती थी कि दादा गुरुदेव है, शंकर जी के अवतार हैं। नहीं, नहीं, सही बात है। तो मैं सोची मैं ध्यान तो गुरुदेव का करता है, कभी कभी ना समझी में बहुत कुछ हो जाता, फिर बात में समझ में आता है अपने को। और मैं ना आता, मैं तो समझी नहीं कि दर्शन दादा गुरुदेव ने भी कुछ सही है। हाँ चलो अच्छा है, आपके तो जीवन में से हंसते रहो। बहुत अच्छा लगा। प्रॉब्लम जरूर है इसको भी गुरुदेव, देखो ये भी एक प्रारब्ध है अपने, ये भी धीरे धीरे हो जाएगा। प्रारब्ध कट रहे हैं और कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, कभी हो जाएगी ठीक। खालीपन आता है कभी, ऐसे जैसे व्याकुल भी होता है, मन बेचैनी बढ़ जाती है, घबराहट से कभी होता है। देखो एकदम से देखो इतना कुछ हुआ है तो थोड़ा है तो और हो जाएगा। तो बस समझ समाज में संसार का कुछ अच्छी नहीं लगती, सब बेकार है, सब सब बेकार। चलो ये चीज तो समझ में आ रही है अपने को, गुरुदेव अपने चरणों में बिठाए रखो, सबसे ज्यादा शांति आनंद और मतलब सबसे ज्यादा आपके यहाँ जीवन में जो आनंद ले लिया वही बड़ी बात है ना, सबसे बड़ा तो ये मिल गया आपको चरणों में सब कुछ। चलो भाई आपका आनंद ऐसे ही बना रहे, आप ऐसे ही हंसते रहो। समर्थ सदगुरु श्री राम लाल जी स्याग का सिद्ध योग इस धरती पर पहली बार उतरा है। इसमें कुंडलिनी शक्ति आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपको ऑटोमेटिक योग करवाती है। यह योग आप बाहर से नहीं करते, यह योग स्वतः अपने आप अंदर से होता है। इस योग से समस्त रोग और संसार के सभी दुख दूर होते हैं। स्याग सिद्ध योग की दीक्षा बिल्कुल मुफ्त है और आसान भी है। आप गुरुदेव जी श्री राम लाल जी स्याग की फोटो को देखकर मन ही मन में प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुवर मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब आप
गुरुदेव जी के मुखाबिंद से संजीवनी मंत्र को सुने। संजीवनी मंत्र का जाप मानसिक रूप से मन ही मन करना है। इस मंत्र को बोलकर नहीं जपना और ना ही बोलकर किसी को बताना है। 24 घंटे मानसिक जप और 15-15 मिनट सुबह शाम आज्ञा चक्र पर श्री गुरुदेव का ध्यान कीजिए। हो गई आपकी गुरु दीक्षा और सिद्ध योग की साधना का शुभारंभ। जय गुरुदेव। मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, या मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की यौगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।